हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर गिवन। वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म फ्रॉम दीज गिवन लेटर्स। देन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड इज। द गिवन ऑप्शन आर 69760 एंड ऑप्शन बी 30240 एंड ऑप्शन सी 99748 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट चूज होगा वो है परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन क्या होता है, लेट्स सी। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर मैटर करता है। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम। सो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन पी आर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो लेट्स से हम लोग फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे। सो एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 अप टू टू इंटू वन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, क्या कह रहा है कि 10 डिफरेंट लेटर है एक अल्फाबेट के। सो आर गिवन, वो हमें गिवन है। वर्ड्स विथ 5 लेटर आर फॉर्म, वर्ड्स जो हमारे बन रहे हैं वो 5 लेटर से बन रहे हैं फ्रॉम दिस गिवन लेटर। 10 लेटर्स में से हमारे 5 लेटर के वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। द नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड। सो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स जबकि हमारा एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड होगा। सो लेट्स फाइंड। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर इज गिवन विच इज 10। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटर 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। एंड अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं नंबर नंबर ऑफ वर्ड्स जबकि हमारे सारे जो 5 लेटर्स है वो रिपीटेड हो। एंड ऑल 5 लेटर्स आर रिपीटेड, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 है और जो हमारा वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 5 लेटर से हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, 10 to the power 5 विच इज नॉट बैड। सो यार, सो हमें ये मिल गया। एंड अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन नो लेटर इज। सो ये क्या हो जाएगा, व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। सो इसके लिए हमें परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे हमारा एन क्या हो जाएगा, 10, एंड आर हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर 10 है और वहां पे हमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो 5 लेटर्स है। सो फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 3 0 2 4 0। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ से हमें निकालना है कि नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड। सो अगर हम लोग ओवरऑल में से अगर हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स में नो लेटर इज रिपीटेड को निकाल दें, मीन्स अगर कम से कम हमें एक लेटर रिपीट होना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम लोग नो रिपीटेशन वाले अगर उसमें से निकाल दें तो हमें नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड वो मिल जाए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स हैव एटलीस्ट वन रिपीटेशन, वन लेटर रिपीटेशन। सो
ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग टोटल में से विच इज 1 लाख, अगर हम लोग विदाउट रेपिटेशन वाला सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा टोटल रेपिटेशन वाले जितने भी लेटर्स होंगे उसमें, जितने भी वर्ड्स होंगे वो मिल जाएंगे। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6, 9, 7, 6, 0। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज मैचिंग, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।